एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का और वेदर अलर्ट चैनल से जुड़े तमाम मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। और आज वेदर अलर्ट चैनल पर 5000 मित्र जुड़ चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी तरह का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और मैं लगातार अथक प्रयास करता रहूँगा आपको समय अनुसार मौसम से जुड़े ताज़ा अपडेट देते रहने की। और लगातार मौसम में अगर कोई बदलाव होता है तो मैं आपके समक्ष उस परिवर्तनशील गतिविधियों को प्रस्तुत करूँगा। लगातार आपका सपोर्ट बने रखेगा। और अब से मैं ये सोच रहा था कि देश के अलग अलग राज्यों के लिए विशेष बुलेटिन लेकर आऊँ। आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे अवश्य बताएगा। और बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन, क्योंकि लगातार मॉडल में परिवर्तन के चलते ये सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि किस तरह की गतिविधियाँ रहती है, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि किस तरह का प्रदर्शन रह सकता है आगामी समय में बारिश का, साथ ही साथ मॉनसून का, और आगामी समय में समुद्र का किस तरह का प्रदर्शन रहता है इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। वर्तमान की बात करते हैं कि इस समय किस तरह की परिस्थितियां हैं बारिश को। वर्तमान के मौसम की परिदृश्य की बात करें, वर्तमान में आप देख सकते हैं किस तरह से इस समय उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर मौसम लगभग साफ बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग बादलों की आवाजाही भी नहीं दिखाई दे रही है। हल्के बादल आपको पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुँच रहा है, कमज़ोर है, लेकिन इसके प्रभाव से बादल पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ बादलों की हल्की फुल्की आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर इंटेंसिटी है। उत्तर प्रदेश और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, इन इलाकों पर बादल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी अधिकांश भागों पर मौसम लगभग मुख्यतः साफ बना हुआ है। हाई क्लाउड्स बादल कुछ राजस्थान के भागों पर है, गुजरात पर भी और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों पर भी हाई क्लाउड्स बादल है। बारिश ना देने वाले बादल हैं, फसल सूख रही है। देश के कई राज्यों पर सूखे के कारण अकाल जैसी स्थितियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में फसलों के लिए काफ़ी आवश्यक बारिश की जो कमी है वो काफ़ी कम होती हुई नज़र आ रही है। और बारिश को लेकर मैं किसानों से ये कहूँगा कि उचित सिंचाई का प्रबंध अवश्य करें, क्योंकि अब आगामी समय में भी बारिश की यहाँ पर कोई ज़्यादा संभावनाएँ नहीं दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं कि अगले 10 दिन क्या रहेगा, मॉनसून का प्रदर्शन कहां पर होती है, बारिश कहां पर रहता है, शुष्क मौसम। जैसा कि उम्मीद और संभावनाएं थी, मौसम विभाग ने जब मॉनसून 2023 की भविष्यवाणी की थी तब बताया था कि इस साल अल नीनो वाला साल होगा और काफ़ी व्यापक तौर पर अल नीनो का प्रभाव मॉनसून के ऊपर भी पड़ेगा। और कुछ इस तरह का सीन इस समय भी दिखाई दिया और अगस्त से पहले जुलाई पर भी दिखाई दिया था। तो लगातार अल नीनो के चलते मॉनसून कमज़ोर हो रहा है। हालांकि आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी पर लगातार वेदर सिस्टम बनेंगे और हम कह सकते हैं कि सितंबर के शुरुआती दिन काफ़ी बेहतर हो सकते हैं भारत के लिए बारिश को लेकर। हालांकि अभी भी विडंबना यही रहेगी कि उन क्षेत्रों पर बारिश के लिए आसार बहुत कम रहेंगे जहाँ पर लगातार सूखे के कारण फसलें सूख रही है। और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लगभग फसल जो है वो खत्म होने को लगी है। तो चलिए बारिश की संभावनाओं की बात करते हैं। लगभग आप देख सकते हैं ये स्थिति 29 अगस्त की है। 29 अगस्त को कहां पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव रहेगा, तो बारिश की संभावनाएं भी उत्तर भारत के कई राज्यों पर दिखाई दे रही है। हालांकि मैदानी राज्यों पर इतना मौसम नहीं बदलेगा, लेकिन इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते लगभग पंजाब, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भागों पर बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। हल्की से मध्यम बारिश तो होने के आसार ज़रूर नज़र आ ही रहे हैं। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं आप देख सकते हैं लगभग तो नहीं है, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर फॉर्मेट हो रहा है और इस सर्कुलेशन का प्रभाव अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर, यानी कि इन इलाकों पर पड़ने लगेगा, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के राज्य और पूर्वी तटीय क्षेत्र जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, साथ साथ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश के लिए आसार बनते हुए नजर आएंगे। 29 अगस्त को संभावना है कि लगभग मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, सेंट्रल एमपी के रीजन्स पर भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये बारिश लगभग फसलों को कुछ राहत दे सकती है, लेकिन इतनी हम कह सकते हैं इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार ही रहेंगे। इसके अलावा बाकी राजस्थान के भागों पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। गुजरात में हल्की बारिश हो सकती है कई इलाकों में। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि लगभग बिहार, झारखंड में हल्की बारिश होने के आसार है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा लगभग पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश के आसार है। दक्षिण भारत के आप देख सकते हैं कि अरबियन सी पर भी सर्कुलेशन बन रहा है, अरब सागर पर सर्कुलेशन का प्रभाव रहेगा इन राज्यों पर, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी भाग शामिल है, साथ साथ केरल, कर्नाटक का क्षेत्र भी शामिल है। यहाँ पर केरल में काफ़ी दिनों बाद अच्छी बारिश होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं 30 अगस्त की। तो आप देख सकते हैं 30 अगस्त को अरब सागर पर सिस्टम किस तरह से मजबूत हो रहा है। अरब सागर पर सर्कुलेशन बनेगा और ये सर्कुलेशन काफ़ी ज़बरदस्त बारिश दक्षिण भारत के राज्यों पर देगा और बारिश का सिलसिला आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल के और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर मध्यम से भारी, तो कुछ इलाकों में भारी, बहुत भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के भागों पर भी सक्रियता बढ़ रही है, मॉनसून की अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है, सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़ के भागों पर, साथ ही साथ
महाराष्ट्र के पूर्वी भागों पर भी हल्की बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बाकी मौसम लगभग साफ रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं आ रही है इस तरह से, तो इन हवाओं के चलते राजस्थान में और साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरह से पंजाब हरियाणा दिल्ली पर मौसम साफ होता हुआ नज़र। 30 सितंबर को भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बारिश की उम्मीद नहीं है, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर हो सकती है बारिश। इसके अलावा बिहार के भी कुछ उत्तरी भागों पर बारिश के असर बन रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बारिश के संकेत कुछ इलाकों में है। बाकी दक्षिण भारत की मैंने बात की, यहाँ पर बारिश होने के आसार काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर 31 अगस्त की स्थिति की बात करें, 31 अगस्त को भी मौसम में ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, लेकिन जो सर्कुलेशन बना था वो सर्कुलेशन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर यानी कि श्रीलंका के दक्षिणी भागों पर पहुँच रहा है, तो आप देख सकते हैं इसके प्रभाव से सिस्टमेशन जो है ज़बरदस्त बन रहा है और बंगाल की खाड़ी की हवाएँ जो है वो लगभग आप देख सकते हैं किस तरह से इस सिस्टम को भी प्रभावित कर रही है। बारिश की संभावनाओं से बात करें, भारत के किन राज्यों में बारिश हो सकती है 31 अगस्त को, तो दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मध्यम से हल्की बारिश होने के आसार है। मुंबई पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के दक्षिण भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा व कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम लगभग साफ हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों पर तमाम इलाकों में मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भाग, यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहने की उम्मीद है। बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं नज़र आ रही है, इन क्षेत्रों पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगी बारिश की, तो लगभग मौसम लगातार सूखा बीत रहा है, बारिश की ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में 1 सितंबर की बात करते हैं, 1 सितंबर को भी बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल बढ़ रही है। हालांकि हलचल तो अरब सागर पर भी है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग हलचल नहीं है। बारिश की संभावनाओं की बात करें, तमाम आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश के भाग जो शामिल हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात के और राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम लगभग साफ रहने की उम्मीद है, कोई भी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी ज़्यादा बारिश की कोई गतिविधि आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। कुछ छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों पर भी हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मौसम में बदलाव रहेगा, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के आसार नजर आ। तो मौसम में कुछ ज़्यादा बदलाव उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन 2 सितंबर की बात करते हैं। 2 सितंबर को आप देख सकते हैं किस तरह से अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी भी पूरी तरह सक्रिय हो रही है। अरब सागर में आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई निम्न दबाव का क्षेत्र फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये निम्न दबाव का क्षेत्र नहीं है, ये हाई प्रेशर जोन है जो यहाँ पर बन रहा है, और हाई प्रेशर जोन के चलते यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्य पर अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बारिश की संभावनाएं दक्षिण भारत के राज्य पर बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश और साथ साथ तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों पर भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों पर भी मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, कुछ इलाकों में झमाझम भारी बारिश के संकेत है। हालांकि अभी भी बारिश को लेकर इंतजार राजस्थान, साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई भाग, बिहार, झारखंड और पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी फिलहाल कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि बिहार के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 3 सितंबर की बात करते हैं, 3 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से हाई प्रेशर जोन, मुझे लग रहा है कि निम्न दबाव के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, और ये निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं किस तरह से श्रीलंका को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं किस तरह से वियतनाम, थाईलैंड की खाड़ी के आसपास जो सिस्टम फॉर्मेशन हो रहा है, डिप्रेशन या निम्न दबाव का क्षेत्र कह सकते हैं, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी पर, समुद्र में लगातार हलचल बढ़ रही है, लेकिन भारत के राज्यों पर कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। बारिश को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम लगभग साफ बना हुआ है। राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर, साथ साथ मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ भागों पर, और साथ साथ बारिश की कोई ज़्यादा संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दूं कि अब बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के कई राज्यों पर अच्छी होने की संभावना है। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, और हम कह सकते हैं कि विदर्भ में बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मध्यम से भारी मानसून की बारिश की संभावनाएं लगभग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर है, यहाँ पर झमाझम भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। बाकी बिहार और उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंचा है, तो इसका प्रभाव आप देख सकते हैं किस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों पर रहेगा, और ये सिस्टम बारिश देने में सक्षम रहेगा। यहाँ पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश दे सकता है। लगातार 4 सितंबर की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी पर एक तरफ हम कह सकते हैं कि निम्न दबाव का क्षेत्र फॉर्मेशन हो चुका है, दूसरी तरफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ऐसे में ये सिस्टम जो है लगातार इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ऐसी संभावना है। और भारत के उन राज्यों पर बारिश देगी जहाँ पर सूखे के हालात बने हुए हैं। उत्तर भारत पर आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल सहित उत्तराखंड के भागों पर रहेगी। यहां पर मध्यम से हल्की बारिश कुछ इलाकों में होने की संभावना है। इसके अलावा बाकी भागों पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में मौसम के साफ रहने की संभावना है। दिल्ली और साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश में भी मौसम में कुछ ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।
गुजरात में भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, हालांकि हल्की बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश होगी। बिहार झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी झमाझम भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन दक्षिण भारत के कई राज्यों पर काफ़ी अच्छा रह सकता है। 5 सितंबर की बात करते हैं, 5 सितंबर को क्या सिस्टमेशन बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी पर, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है बंगाल की खाड़ी पर, और इसके प्रभाव से 5 सितंबर को अनुमान संभावना है कि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों पर झमाझम भारी बारिश होगी। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन आपको देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों पर। यहाँ पर मौसम में बदलाव आएगा और कई जगहों पर अच्छी बारिश के संकेत है। इसके अलावा अभी भी बारिश को लेकर विडंबना राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, साथ ही साथ दिल्ली के भी भागों पर अभी भी बारिश को लेकर कमजोर प्रदर्शन मानसून का रहेगा। इसके अलावा गुजरात के भागों पर भी बारिश को लेकर अभी कमी खटक सकती है। इसके अलावा बारिश का काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन दक्षिण भारत के राज्यों पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं किस तरह से मजबूत डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और यह सिस्टम कहीं ना कहीं आगामी समय में देश के राज्यों को प्रभावित करेगा, ऐसी संभावना है। और 6 सितंबर की स्थिति की बात करें, 6 सितंबर को भी ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर लगातार सक्रियता बढ़ रही है। थाईलैंड वियतनाम को प्रभावित करने वाला सिस्टम आप देखिए किस तरह से उमड़ घुमड़ रहा है। इसके अलावा बारिश का सिस्टम आप देखिए किस तरह से भारत के नज़दीक पहुँच चुका है निम्न दबाव का क्षेत्र, और इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी नजर आ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बन रही है। तो मौसम में बदलाव आ गया है और यह बदलाव 6 सितंबर को आ रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में झमाझम भारी बारिश होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों में भी भारी बारिश के संकेत है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी बारिश के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पर भी बारिश हो सकती है मध्यम से भारी वर्षा। बाकी अभी भी बारिश को लेकर संभावनाएं बहुत कम है, फसलों को नुकसान की आशंका प्रबल है। ऐसे में राजस्थान के लिए अभी भी मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है, हालांकि पश्चिम मध्य प्रदेश पर भी मौसम ज़्यादा नहीं बदलेगा। इसके अलावा गुजरात पर भी बारिश को लेकर विडंबना रहेगी। गुजरात के अधिकांश भागों पर हल्की छिटपुट बारिश होने के आसार है। दिल्ली पर भी बारिश को लेकर इंतजार करना पड़ेगा, और पंजाब हरियाणा के भागों पर भी बारिश को लेकर अभी भी इंतजार रह सकता है। 7 सितंबर की स्थिति की बात करें, 7 सितंबर को कम दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर, उससे सटे हुए उड़ीसा के भागों पर पहुंचा है, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ उड़ीसा सहित बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर चमाचम भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के भागों पर भी भारी बारिश के आसार है, चूँकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है, तो ऐसे में यहाँ पर मानसून सक्रिय होगा और कई जगहों पर भारी बारिश होगी। विदर्भ में बारिश के आसार है, मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना के अधिकांश भागों पर, साथ साथ आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों पर अच्छी मानसून की भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक इन इलाकों में अच्छा मानसून का प्रदर्शन अब दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर अच्छी बारिश के संकेत हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां उत्तराखंड के भागों पर दिखाई दे सकती हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और दिल्ली के पूर्व व उत्तर में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अभी भी बारिश को लेकर कमजोर प्रदर्शन पश्चिम मध्य प्रदेश पर, गुजरात पर और राजस्थान के भागों पर दिखाई दे सकता है। यहाँ पर अभी भी बारिश को लेकर चिंताएं प्रकट हो सकती है, तो इस समय यहाँ पर मैं अभी भी कहूँगा कि उचित सिंचाई का प्रबंध अवश्य करें ताकि फसलों को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। तो फिलहाल आपने जाना अगले 10 दिनों का मौसम, और ज़्यादा बदलाव मौसम में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये सिस्टम पहुँचा है तो 6-7 सितंबर से बारिश की गतिविधियाँ देश के उन राज्यों पर भी बढ़ेगी जहाँ पर मौसम लगभग साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार वेदर अलर्ट चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।